हेलो दोस्तों, आपका स्वागत सुनता चैनल में। आज अपनी वीडियो में आपको बताने वाले हैं बहुत ही फायदेमंद टेस्टी हेल्दी एप्पल मिल्क शेक की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस एप्पल मिल्क शेक को बना के व्रत में भी ले सकते हैं, जो आपको अंदर से ताकत भी देगी और जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं बहुत ही कम समय में झटपट से हम एप्पल मिल्क शेक कैसे बनाते हैं। एप्पल मिल्क शेक बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के एप्पल ले लिए हैं, यानी सेब है। तो सेब को हमने पानी से धो लिया था। एक सेब हमने ले लिया, सेब के छिलके निकाल कर, फिर सेब के हमने बीज निकाल दिए, फिर सेब को हमने छोटे साइज में कट कर लिया है। दूसरा सेब लेते हैं, दूसरे सेब के छिलके हम नहीं निकाल रहे हैं, आप चाहे तो छिलके निकाल सकते हैं जो आपको सही लगे। फिर दूसरे भी सेब के बीज निकाल कर उसे भी छोटे साइज में कट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने दोनों सेबों को छोटे साइज में कट कर लिया है। कटे हुए सेब को आपको मिक्सर जार में डाल देनी है। तो सेब को आपको पहले से नहीं कट करना है, जब आप मिल्क शेक बनाना शुरू करें तभी आप एप्पल को कट करिएगा, और एप्पल को आपको छोटे साइज में कट करनी है। तो यहाँ पे हम फ्रिज का ठंडा दूध डाल देंगे। अगर ज़्यादा ठंडा पसंद है, ज़्यादा चिल्ड पसंद है, तो आप यहाँ पे आइस भी डाल सकते हैं। 1.5 गिलास के लगभग हमने ठंडा दूध डाल दिया है। टेस्ट के हिसाब से आपको चीनी डाल देनी है, चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल दिया है। अब मिक्सर को ऑन कर लेते हैं, मिल्क शेक यहाँ पे एप्पल मिल्क शेक बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी एप्पल मिल्क शेक सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार है। और एप्पल मिल्क शेक अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी लगे तो यहाँ पे आप ठंडा दूध डाल सकते हैं, लेकिन हमारी एप्पल मिल्क शेक ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। अब एप्पल मिल्क शेक को हम ग्लास में निकाल लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है। यकीन मानिए टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है और अंदर से आपको एकदम ताकत देगी। तो आप इस तरीके से झटपट से बहुत ही कम समय में एप्पल मिल्क शेक बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ बादाम ले लिए हैं, 3 से 4 बादाम थे जिसे हमने पतले पतले चॉप कर लिए थे। ऊपर से हम डाल देंगे जिसे देखने में भी अच्छी लगे। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो ले सकते हैं, मनचाहा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ऊपर से हमने बादाम का कतरन डाल दिया है। तो आप इस तरीके से बहुत ही कम समय में एप्पल का मिल्क शेक बना कर तैयार कर सकते हैं। अगर व्रत हो तो व्रत में भी ले सकते हैं। अगर बस छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो छोटे बच्चों को एप्पल मिल्क शेक छान के दीजिएगा। अगर आपको इस तरीके से एप्पल मिल्क शेक बनाने का तरीका आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पाए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।